शासन ही देश को महान बनाता है। वो विद्यालय जब हम आएंगे तो हम अनुशासन में रहेंगे ना, तो हम कैसे रहेंगे? पहला सबसे पहले विद्यालय जब हम प्रवेश करेंगे तो 9 बजे इन करेंगे। कितना बजे? 9 बजे। 9 बजे इन करेंगे, साफ सफाई में लग जाएंगे। और अगर हमारे विद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं उसको हम प्रवेश करेंगे, देखेंगे तो उसको हम अभिवादन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? अभिवादन, गुड मॉर्निंग या जो भी हो, अभिवादन करना है। अभिवादन करेंगे, उसके बाद रखेंगे पेड़, साफ सफाई में लगेंगे, फिर अपना हाथ साफ करके जो भी है प्रार्थना होगी, और पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध ढंग से, जैसी भी लंबी लड़कियाँ हैं वो पीछे, छोटी लड़कियाँ आगे, इस तरह से हम खड़ा हो जाएंगे। ये नहीं कि हम विद्यालय आए बैठ गए पंखा में हवा लगा रहे हैं, नहीं। उसके बाद फिर जितना सत्र होगी, फिर क्लासरूम में प्रवेश करेंगे, फिर क्लास में शिक्षक आएंगे तो खड़ा होना होता है ना, बड़ों को देख के खड़ा होना होता है ना, तो खड़ा होना ही नहीं कि बैठे रह जाना। अगर क्लास से निकलना है तो पूछ के निकलना है, शिक्षक नहीं है तो मॉनिटर से पूछ के निकलना है, शिक्षक से पूछ के निकलना है, अगर शिक्षक है पानी पीना है या जाना है कहीं को, इस तरह से है ना। टिफिन की घंटी लगेगी, टिफिन की, उसके बाद हम नाश्ता या जो भी है मध्याह्न भोजन जो मिलता है पंक्ति पद बैठ के खाएंगे। कैसे खाएंगे? क्लासरूम में ले जाके नहीं खाएंगे, क्लासरूम में ले जाके नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर क्लास होगी, बच्चे सुनेंगे, शिक्षक रहेंगे या कम शिक्षक रहेंगे तो वो भी मैनेज होता है। अगर शिक्षक कम रहते हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं, क्लास मॉनिटर भी मैनेज कर देता है, और उस ढंग से उसका बात मानना होता है। क्लास मॉनिटर का बात मानना होता है, बड़ी दीदी का बात मानना होता है। ये नहीं कि शिक्षक नहीं है दीदी है तो उसका बात नहीं मानेंगे, नहीं, वो मानना होता है। उसके बाद फिर छुट्टी होती है, छुट्टी की घंटी लगती है, तो ऐसे नहीं कि मेला तमाशा देखना है और निकल के चले गए, नहीं, तो क्या करना है, क्रम पर ढंग से पंक्ति से हमको निकलना है। और सबसे बड़ी बात बच्चे सुनेंगे, विद्यालय में गंदा साफ सफाई, कहीं भी कोई गंदगी नहीं फैलाना है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं फैलाना है।